तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन आईपीएल हिस्ट्री। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 क्रिस गेल एंड तिलकरत्ने दिलशान। आईपीएल 2013 के इस मैच को यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की एक मास्टर क्लास पारी के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने केवल 66 गेंदों में 175 रन बनाए थे। उन्होंने तिलकरत्ने दिलशान के साथ पहले विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। इन रनों के बीच श्रीलंकाई बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने केवल 33 रनों का योगदान दिया जो उन्होंने 36 गेंदों में बनाए थे। आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ इस मैच में 263 पर 5 का स्कोर बनाया था और इस मैच में पुणे वॉरियर्स को केवल 20 ओवर में 133 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर रोक दिया और यह मैच आरसीबी ने 130 रनों से जीत लिया था। नंबर 4 सेन वाटसन एंड फाफ ड्यू प्लेसिस। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में पंजाब के खिलाफ 179 रनों का पीछा कर रहा था। यह मैच 2020 में हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने सलामी बल्लेबाज सेन वाटसन और फाफ ड्यू प्लेसिस ने शानदार शुरुआत दिलाई और उन्होंने अपनी पारी में 80 से अधिक रन बनाए और पहले विकेट के लिए 181 रनों की पार्टनरशिप कर दी। सेन वाटसन ने 53 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेली और सीएसके को 10 विकेट से जीत दिला दी और इस मैच में सेन वाटसन मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। नंबर 3 केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। यह मैच राहुल तेवतिया की धमाकेदार पारी की वजह से याद किया जाता है, जिसने राजस्थान रॉयल्स को एक शानदार जीत दिलाई थी। लेकिन इससे पहले मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में 50 गेंदों में 106 रन बनाकर शानदार शतक लगाया था। मयंक और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 183 रनों की पार्टनरशिप की थी, जिससे टीम ने 20 ओवर में 223 पर 2 का स्कोर बनाया था और केएल राहुल ने 54 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 69 रन बनाए थे। नंबर 2 गौतम गंभीर एंड क्रिस लिन। आईपीएल 2017 के इस मैच में गुजरात लायंस ने 20 ओवर में कुल 183 पर 4 विकेट का स्कोर बनाया था। उनके लिए कैप्टन सुरेश रैना ने 51 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली। इस टोटल के जवाब में गौतम गंभीर और क्रिस लिन ने धमाकेदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 184 रनों की पार्टनरशिप कर दी और केकेआर के लिए 31 गेंद शेष रहते 10 विकेट से यह मैच जीत लिया। लिन ने 41 गेंदों पर 93 रन बनाए जबकि गौतम गंभीर ने 48 गेंदों में 76 रन बनाए। नंबर 1 जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर। जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने आईपीएल 2019 में आरसीबी के खिलाफ एक ही मैच में शतक बना दिए थे। बेस्टो ने 56 गेंदों पर 114 रन बनाए जबकि डेविड वार्नर ने 55 गेंदों पर 100 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 185 रन की पार्टनरशिप की और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 20 ओवर में 231 पर 2 का लक्ष्य बनाया और इस टोटल का पीछा करते हुए आरसीबी सिर्फ 113 रनों पर सिमट गई और 118 रनों से मैच हार गई और जॉनी बेस्टो को उनके शानदार सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द प्लेयर चुना गया। तो ये थी टॉप 5 हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन आईपीएल हिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।